चूहे को मिली पेंसिल। एक बार एक चूहा खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, उसे एक पेंसिल मिली। चूहा पेंसिल लेकर अपने दिल में घुस गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जानने दो, पेंसिल चूहे से गिड़गिड़ाकर बोली। मैं तुम्हारे किस काम की हूँ, लकड़ी का टुकड़ा तो हूँ, खाने में भी अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हें उतरूँगा, चूहे ने कहा। मुझे अपने दांत पहनने और छोटे रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ कुतरना पड़ता है, और चूहे ने पेंसिल कुतरना शुरू कर दिया। आई, मुझे दर्द हो रहा है, पेंसिल ने कहा। मुझे एक आखिरी चित्र बना लेने दो, फिर तुम जो चाहो करना, ठीक है, चूहे ने कहा। तुम चित्र बना लो, फिर मैं चबाकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पेंसिल ने ठीक सांस ली और एक बड़ा सा गोला बना दिया। यह क्या पनीर का टुकड़ा है, चूहे ने पूछा। ठीक है, हम इसे पनीर ही कहेंगे, पेंसिल ने कहा। फिर पेंसिल ने बड़े गोले के अंदर तीन छोटे गोले बना दिए। ओह, अब यह पनीर ही लग रहा है, चूहे ने कहा। उसमें वो छेद नजर आ रहा है, चलो हम उन्हें पनीर में छेद बोलेंगे, पेंसिल ने मान लिया। और उसने बड़े गोले के नीचे एक और बड़ा गोला बनाया। अरे, यह तो सेव है, चूहा चहका। हाँ, इसे सेव कह लेते हैं, पेंसिल ने कहा। पेंसिल फिर दूसरे बड़े गोले के पास कुछ अजीब सी चित्र बनाने लगी। अरे वाह, अब तो मज़ा आ गया, यह तो चमत्कार है, चूहे के मुंह में पानी आने लगा। जल्दी करो, मुझे खाना है, पेंसिल ने ऊपर वाले गोले के ऊपर दो छोटे त्रिकोण बना दिए। अरे अरे, चूहा चीखा, अब तो तुम उसे बिल्ली की तरह बनाने लगी हो, और आगे मत बनाओ। लेकिन पेंसिल बनाती गई, उसने ऊपर के गोले पर लंबी लंबी मूछें और मुंह बनाया। चूहा डरकर चिल्लाया, अरे बाप रे, यह तो बिल्कुल असली बिल्ला लग रहा है, बचाओ। ऐसा कहकर वह भागकर अपने बिल में घुस गया। क्या तुम बिल्ली का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसे देखकर चूहा डर गया? जी हाँ बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आप बना सकते हो? अगर आपको हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।